नमस्कार दोस्तों, जयपुर प्रॉपर्टी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र आज आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है और उस सपने के अंदर होता है एक ड्रीम होम। तो उसी ड्रीम होम को पूरा करने के लिए हमको एक होम लोन की आवश्यकता पड़ती है और उसी होम लोन के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है प्रमोद बिना जी, जो HDFC हाउसिंग लोन से है। HDFC हाउसिंग लोन के अंदर सर को टोटल 20 साल से ज़्यादा का लगभग एक्सपीरियंस है। हम जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे कि होम लोन के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के प्रोफाइल के लिए होम लोन अवेलेबल हो जाता है आसानी से, तो वो सारी बातें आप हम इनसे करेंगे। सबसे पहले हम सर के बारे में जानेंगे। सर, आपका एक बार इंट्रोडक्शन। नमस्कार चैनल के सभी मेंबर्स को। मेरा नाम प्रमोद मीना है। मैं HDFC हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 20 साल से मेरा वर्क एक्सपीरियंस है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन हम सर से कर रहे हैं कि हाउसिंग लोन किसको बोलते हैं, क्या होता है सर एक बार? लोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे लैंड परचेज लोन, हाउस कंस्ट्रक्शन लोन, फ्लैट परचेज या हाउस परचेज लोन, मॉर्गेज लोन, कई तरह के लोन होते हैं। लेकिन जो मकान जिसमें बनता है, जिसमें रहने लायक घर बनता है, उसको हम हाउसिंग लोन बोलते हैं। जैसे वो लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या रेडी हाउस परचेज करना भी हो सकता है, या फ्लैट परचेज करना भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन सर से ये रहेगा कि जो होम लोन होता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किन को मिलता है सर? हाउसिंग लोन में स्पेशली हम बात करें तो दो तरह के क्राइटेरिया होता है। एक होता है कि इनकम से हम कितना लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रॉपर्टी का मीन्स कि एग्रीमेंट और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, उनके बेस पर हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इन दोनों में से जो कम जिससे लोन बनता है, इनकम और प्रॉपर्टी, वो हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि प्रॉपर्टी के आधार पर और इनकम के आधार पर, अब इनकम के हिसाब से अपन देखते हैं तो इनकम के हिसाब से क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर? सर, इनकम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो इनकम में बेसिकली दो तरह का मेन इनकम होता है। एक होता है सैलरीड पर्सन, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सैलरीड पर्सन में हम लोग जो देखते हैं कि जितना भी उनका मंथली ग्रॉस इनकम होता है, उसका 50-60% हम लोग EMI के लिए ओब्लिगेशन मांगते हुए उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर बात करें हम सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली प्रोफाइल बेस्ड लोन होता है। प्रोफाइल बेस्ड के मीन्स ये होता है कि उसका बिजनेस किस चीज़ का है, कितने टाइम का है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोग उसकी इनकम जस्टिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोन पर उसका कैलकुलेट करते हैं। सर, अभी आपने इनकम का क्राइटेरिया बताया है, अभी प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया अगर देखें तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस हिसाब से होता है? सर, प्रॉपर्टी का अगर बात करते हैं तो बेसिकली मेन दो ही करते हैं क्राइटेरिया होता है कि अगर डायरेक्ट बिल्डर से डायरेक्ट परचेज प्रॉपर्टी होती है तो हम जितने का भी एग्रीमेंट होता है उसका 80% तक लोन कर सकते हैं, और अगर रीसेल में ले रहे हैं तो हम जितने का भी एग्रीमेंट है उसका 90% लोन कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर 30 लाख से कम का लोन है तो 90% कर सकते हैं, चाहे बिल्डर से डायरेक्ट हो चाहे रीसेल हो। बिल्डर से डायरेक्ट परचेज कोई प्रॉपर्टी है और 30 लाख से कम का अगर प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट वैल्यू है, 30 लाख से कम का लोन होता है उसका, तो हम लोग 90% करते हैं। और अगर 30 लाख से ज़्यादा का लोन अमाउंट होता है तो हम लोग 80% लोन करते हैं। हम प्रॉपर्टी पेपर की वैल्यू के साथ में हम लोग मार्केट वैल्यू भी देखते हैं। प्रॉपर्टी का पेपर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर लेस, हम लोग वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जैसे लोन अप्लाई करने के लिए इसका प्रोसेस क्या रहेगा? महेंद्र जी, अभी लास्ट ईयर कोविड की वजह से अभी कम्प्लीटली 100% वर्क ऑनलाइन है। आपका लोन अप्लाई करना भी ऑनलाइन रहेगा, सेंक्शन भी ऑनलाइन रहेगा। जब लोन डिसबर्समेंट होएगा तो लोन डिसबर्समेंट के टाइम एक बार कस्टमर का हमारे ऑफिस विजिट करना होता है, अदरवाइज कंप्लीट वर्क ऑनलाइन हो गया। सर, अगर अपन इसमें टाइम की बात करें तो लोन प्रोसेस करवाने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? मेरे जी, सैलरीड पर्सन अगर है तो 4-5 वर्किंग डेज लगता है, और अगर सेल्फ एम्प्लॉई है तो 10-11 दिन का टाइम लग जाता है। दूसरा प्रश्न सर आपसे ये रहेगा कि जैसे इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कितने से स्टार्ट है, और दूसरा इसमें जो प्रोसेसिंग जो फीस वगैरह होती है वो कितनी लगती है? सर, अभी करंट सीनियरियो के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है 6.75 ओनवर से स्टार्ट है। ये थोड़ा वेरी कर सकता है ड्यू टू सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग, पहली बात। दूसरी बात सर, आप प्रोसेसिंग फीस की बात कर रहे हो तो प्रोसेसिंग फीस 3,540 रुपये का प्रोसेसिंग का चेक लगता है। सर, आप जो ये 3,540 प्रोसेसिंग फीस बता रहे हो, ये आप खुद डायरेक्ट लेते हो या डायरेक्ट बैंक को पे करनी पड़ती है?
जो 35 से 40 रुपये जो फीस है, इसमें 3,000 रुपये फीस प्लस GST मिला के 35 से 40 होता है। ये कम्प्लीटली डायरेक्टली HDFC लिमिटेड को देना होता है, हम 1 रुपये भी नहीं लेते। सर जैसा कि आप ये लोन प्रोसेस वगैरह करवाते हो, इसमें आपके कुछ अदर चार्जेज वगैरह नहीं है, आप तो कुछ पैसा नहीं लेते? इसमें हम लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते। आपके जो चार्जेस लगते हैं, एक तो प्रोसेसिंग फीस, दूसरा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है 0.25%। इसके अलावा अलग से कोई चार्जेस नहीं होता। सर हाउसिंग लोन की जैसे अपन ने बात की, इसमें हाउसिंग लोन के और भी कुछ फायदे हैं क्या? सर आपने महेंद्र जी अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाउसिंग लोन लेने का अभी मेन तो दो फायदे रहते हैं। एक तो इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाउसिंग लोन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। वो इसलिए है कि जो इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने बताया कि 6.75% से स्टार्ट है, और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है हिस्ट्री में, इतनी कम इंटरेस्ट रेट कभी नहीं हुआ। और अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी के अप्रिसिएशन की, तो कम से कम भी 10 से 12% का अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में होता है। करंट में अगर सीनियरों की बात करते हैं, तो अभी प्रॉपर्टी परचेज करने का सबसे बेस्ट टाइम है। वो इसलिए है कि इतना कम इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड होने लग गई मार्केट में, इसलिए ये भी बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी लेने का। दोस्तों हमने लोन का पूरा प्रोसेस समझा प्रमोद जी से। अगर आप कोई भी जयपुर के अंदर बिला या प्लॉट खरीदना चाहते हो, JDF रूट, या कोई लोन की रिक्वायरमेंट हो, आप होम लोन करवाना चाहते हो, तो हमारे प्रमोद जी के जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अभी हमने लोन से संबंधित पूरी जानकारी प्रमोद जी से ली। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है लोन से संबंधित, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी जरूरतमंद को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।